सिद्धार्थनगर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर सेक्टर तथा बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लालजी यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज के प्रभारी उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर विधायक किटवा माता प्रसाद पांडे ने व प्रदेश सचिव ओंकार नाथ पटेल रहे। कार्यक्रम का संचालन सपा नेता मीडिया प्रभारी अब्दुल कलाम सिद्दीकी ने किया। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रभारी माता प्रसाद पांडे ने कहा कि 2024 लोकसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी और महंगाई के कारण आम आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है। पूरा देश और प्रदेश महंगाई की मार से त्राही त्राही कर रहा है और देश की जनता भाजपा के झूठे वादों से परेशान है। दिल्ली की सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। देश की जनता परिवर्तन चाहती है। आज देश का नौजवान और किसान बदहाल हो चुका है और देश की जनता को झूठ बोलकर छलने का काम किया जा रहा है। देश की जनता का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि समाज में लोगों का आपसी भाईचारा भी खतरे में है। प्रदेश की जनता आशा भरी निगाहों से समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है। हमारे नेता निष्ठावान तथा समाजवादी विचारधारा के लोगों को जोड़कर सेक्टर तथा बूथ कमेटियों का गठन एक माह के अंदर कर लें। लोकसभा प्रभारी ओंकार नाथ पटेल ने कहा कि देश बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा, ऐसे में हम समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर लोकसभा चुनाव 2024 के परिवेश में समय से अपना काम कर लें। जिला अध्यक्ष लालजी यादव ने सभी अतिथियों एवं लखनऊ से आए प्रभारी का स्वागत करते हुए और आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारे जनपद के पांचों विधानसभाओं में सभी विधानसभाओं के प्रभारियों के सहयोग से हम समय से सेक्टर तथा बूथ स्तरीय संगठन तैयार कर लेंगे। सेक्टर तथा बूथ स्तरीय संगठन बनाने में उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से लिए सहयोग करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम को डुमरियागंज की विधायक सैदा खातून, पूर्व विधायक विजय पासवान, पूर्व विधायक अनिल सिंह, बासी विधानसभा के प्रभारी मोनू दुबे, अजय चौधरी, नागेंद्र नाथ चतुर्वेदी, मरिंदर मिश्रा मसाल, बचई यादव, चमनारा रायनी, वीरेंद्र तिवारी, विभा शुक्ला, जोखन चौधरी, हरिनारायण यादव, के चौधरी, अनिता द्विवेदी, शालिनी त्रिपाठी आदि लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में मोहम्मद इदरीस पटवारी, बच्चाराम बौद्ध, सत्यानंद सिंह, विजय चौधरी, जावेद आलम, चुन्ने प्रधान, चंद्रजीत यादव, राजकुमार यादव, रविशंकर यादव, जेपी यादव, अभिषेक त्रिपाठी, राम सेवक लोधी, सुरेश यादव, अशोक कुमार पांडे, डॉक्टर प्रमोद यादव, गुंजन पासवान, नन्हे दुबे, मोहम्मद अमूमन मेकरानी, राजू चौधरी, अब्दुल लतीफ आदि नेता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। था इसका उद्देश्य क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी इस देश की और उत्तर प्रदेश की जमीनी पार्टी है। लोकसभा का चुनाव 2024 में है। उस 2024 के लोकसभा को के बूथों के गठन के लिए हमारे प्रभारी, जोन के प्रभारी, इनके साथ हमारी आज बैठक थी। माननीय स्पीकर साहब, माननीय विधायिका जी, सभी सम्मानित पूर्व विधायक और अध्यक्ष जी, सब लोग आज हमारे सेक्टर के जमीनी कार्यकर्ता जो पार्टी के रीढ़ हैं, जिनके बदौलत पार्टी संघर्ष करती है, पार्टी सत्ता में रहती है, सेवा करती है, उनके साथ आज बैठने का काम हुआ है। सर, देखा जा रहा है कि मुख्यालय की सीट पर तीन नाम आ रहा है जो साइकिल दौड़ा रहे हैं। नहीं, ये आपका जनक आपका अपना होगा। अभी आप पार्टी के अध्यक्ष जी, जो जिला अध्यक्ष जी हैं या माननीय स्पीकर साहब हैं, किसी से पूछिए, जिनको सिंबल दिया गया वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। हमारे राम सेवक लोधी जी इस सदर से प्रत्याशी हैं। बाकी कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के जितने प्रत्याशी हर निकाय में हैं, चाहे वो सभासद हो चाहे वो अध्यक्ष या हमें आशा हो बड़ी संख्या में और जनता का समर्थन प्राप्त कर वो जीतेंगे। और भाजपा यहाँ कभी पनप नहीं पाती थी। आप जानते हो नौगढ़ में कितनी बार भाजपा को हम लोग हराया था, बांसी में भाजपा को हराया था, बढ़नी में भाजपा को हराया था, हम लोगों के यहाँ तो था ही नहीं था। तो भाजपा का यहाँ ऊपर मुखौटा है, भाजपा जमीनी स्तर पर नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सब जुट कर समाजवादी पार्टी के जो चुनाव चिन्ह पर लोग लड़ रहे हैं साइकिल पर, उनको जिताने का काम।